हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों का एक सवाल बन रहा था, लगातार आप हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि MJPRU यूनिवर्सिटी में PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, क्योंकि सितंबर से फॉर्म भर लिए थे और फॉर्म हालांकि आपके फरवरी तक भरे गए थे, लेकिन जिन लोगों ने सितंबर में ही फॉर्म भर दिया था उन लोगों को एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि भाई डेट नहीं पता चल रही कि डेट कब है। तो आज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की डेट घोषित की गई है, 15 से 20 फरवरी, सॉरी 15 से 20 मार्च के बीच में ये कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपको ये देखनी है तो आप सीधे MJPRU गूगल पर सर्च करें, MJPRUDOR, तो ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं। हालांकि सभी लोग ये जानते होंगे क्योंकि यहीं से आप लोगों ने अपना फॉर्म भी फिल किया है, तो उसी वेबसाइट पर ये डेट अब अनाउंस कर दी गई है। कौन से सब्जेक्ट का किस डेट में होगा उसकी क्लियरेंस का नोटिस भी अभी कुछ ही दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगा, इसी वेबसाइट पर आएगा, तो आप यहीं से अपना वो नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो आपका जो एडमिट कार्ड उसी ईमेल पर आएगा जो ईमेल आपने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी RET यानी MJPRU PhD एंट्रेंस का फॉर्म भरने के टाइम में यूज़ की है, वही ईमेल पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वैसे अभी तक तो ईमेल पर ही आता है, अगर कोई और नई प्रोसेस इस बार हो जाती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। एडमिट कार्ड आपके अगले 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे आपकी ईमेल पर। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी MJPRU PhD से रिलेटेड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।